आप देख रहे हैं हमीरपुर टाइम्स न्यूज। हमीरपुर जनपद में लाखों के गबन मामले में महिला प्रधान सचिव सहित 32 के खिलाफ FIR हुई दर्ज। कुरारा क्षेत्र के भैंसापाली गांव में 17,58,000 की धनराशि के गबन के मामले में शुक्रवार को जिला पंचायत राज अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम की महिला प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी समेत 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस कार्रवाई से आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपितों में 20 अज्ञात लोग शामिल हैं। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO राजेंद्र प्रसाद ने कुरारा थाने में तहरीर देकर बताया कि भैंसापाली गांव की प्रधान अनामिका शुक्ला ने 4 मार्च 2020 को जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें ग्राम पंचायत नरेंद्र तिवारी पर शासकीय धनराशि की क्षति पहुँचाने का आरोप लगाया गया था। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने एक टीम गठित कर जाँच का आदेश दिया था। वहीं जाँच टीम ने ग्राम निधि के खाते की हुई जाँच में चेकों पर प्रधान के हस्ताक्षर समान पाए गए हैं। वहीं कई फर्जी लोगों के नाम पर हुआ गबन का खेल। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी ने 5,40,000 रुपए की धनराशि की कुल 45 चेक व संजय कुमार के नाम से 40 चेक 4,40,000 रुपए की धनराशि की जारी की। वहीं गोविंद के नाम से 5 चेक, अंकित के नाम से 7 चेक, रामहरि के नाम से 6 चेक, प्रशांत कुमार के नाम से 3 चेक, देवेंद्र कुमार के नाम से 5 चेक, शिवम के नाम से 3 चेक, शुभम सिंह के नाम से 3 चेक, रवि के नाम से 2 चेकें जारी की गई हैं। वहीं इसके अलावा 20 अन्य लोगों के नाम से प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ने 3,30,000 रुपए की धनराशि फर्जी चेक जारी कर धनराशि आहरित कर ली। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि 17,58,000 रुपए की धनराशि निर्गत करके धनराशि का गबन किया गया है, जबकि ये लोग किसी भी योजना के लाभार्थी नहीं है। इसके बावजूद इतनी बड़ी धनराशि का गबन किया गया है। वहीं कुरारा थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में DPRO ने तहरीर पर ग्राम प्रधान और पंचायत अधिकारी व 12 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज एवं 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज मुकदमा लिखा गया है। वहीं इस मामले की जांच SI अब्दुल रहमानी को दी गई है। अब देखना ये हुआ कि आखिर इन गबन करने वाले ग्राम प्रधान व सचिव व अन्य लोगों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। बने रहिए हमारे